व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे साथ डुकाटी की 1100 स्क्रैम्बलर। तो चलिए आपको पहले बाइक के इंजन के बारे में बताते हैं। तो बाइक में आता है 1100 सीसी का ब्रांड न्यू इंजन जो BS6 कंप्लायंट है। तो इंजन प्रोड्यूस करता है 85 हॉर्स पावर एट 7500 RPM। और टॉर्क फिगर्स मेरे को अच्छे से याद नहीं था, स्क्रीन पर इधर आ रही होगी। तो आप ये पहले मैं आपको बाइक की लुक्स दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसमें से दो एग्जॉस्ट जा रहे हैं, दो हेडर जा रहे हैं और ये पीछे जाके एक दो एग्जॉस्ट पे ख़त्म हो रहे हैं। तो जा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक है बाइक की। बाइक के टायर्स की बात करें तो पीछे आता है पिरेली का टायर, पिरेली MT60RS जो ड्यूअल पर्पस टायर है। टायर का साइज़ है 180 सेक्शन रियर में और 120 सेक्शन था तक मेरे को याद है वो है फ्रंट में। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटेड मडगार्ड जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी लगेगी और आप इंडिकेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं। LED इंडिकेटर्स बाइक में आते हैं, पीछे डुकाटी लिखा हुआ है, LED टेल लैम्प। तो स्क्रैम्बलर जैसा आपको पता है एक ऑफ रोडिंग / टूरिंग बाइक में आती है। टूरिंग तो इतना नहीं होगी, ऑफ रोडर एंड सिटी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो फ्रंट में देखा जाए तो गोल्डन फोक्स आते हैं ओलिन्स के, ओलिन सस्पेंशन ये लिखा हुआ, या ब्रेम्बो की ब्रेक्स आती है, 320mm ट्विन डिस्क फ्रंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिरेली MT60RS टायर्स जो जैसे मैंने बताया डुअल पर्पज़ टायर्स है ये। 44mm के फ्रंट फोक्स आते हैं इसमें। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, गोल्डन फोक्स काफ़ी सुंदर लगते हैं। ब्रम्बो की ब्रेक्स यहाँ पे टैंक पर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 95 R1 फ्यूल यूज़ करना है इसके ऊपर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा सुंदर इस बाइक का। तो की लगी हुई है तो उसके बाद दे सकते हैं, की है बाइक की ऐसी दिखती है। तो इसके ऊपर डुकाटी लिखा हुआ है, की के ऊपर अभी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। की को यहाँ पर रख देते हैं और बाइक की सीट के ऊपर आते हैं। बाइक की सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैंने बैठ कर देखी है अभी थोड़ी देर, 5 मिनट बैठा हूँ। यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर एक हीट शील्ड दे रखी है, कोई पैर रखे इसका पैर ना जले। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रियर में भी ओलिन्स का सस्पेंशन आता है येलो कलर का, जिससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पे क्लच क्या बोलते हैं इंजन का जो वो है केसिंग है इंजन की, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगाई दिखाई देती है। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट दे रखी है। तो फ्रंट से आपको लुक दिखाऊँ तो फ्रंट से ऐसी लुक आती है बाइक की। आगे चलते हुए आपको दिखाता हूँ बाइक के जो स्विच गियर है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो स्विच गियर में आप यहाँ से देखते हैं ग्रिप्स पे डुकाटी लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से फोकस हो जा, कैमरा मेरा फोकस नहीं हो रहा अभी, कोई नहीं। यहाँ पे ग्रिप्स पे डुकाटी लिखा हुआ है, यहाँ से शायद दिख रहा होगा। अब नीचे रियर व्यू मिरर दे रखे है, बार एंड मिरर, यहाँ पे स्विच गियर सारा दे रखा है। स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, मतलब काफ़ी, आप जैसा आपको पता होगा डुकाटी प्रीमियम ब्रांड है तो ऑब्वियसली स्विच गियर की क्वालिटी तो एकदम टॉप नॉच होगी होगी। आप इस साइड का स्विच गियर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन का स्टार्ट स्टॉप किल स्विच, ये इंटीग्रेटेड है। एक बार नीचे करोगे तो फ्यूल इंजेक्शन वगैरह ऑन हो जाएगा, नीचे करोगे पूरा होल्ड करके रखोगे तो बाइक ऑन हो, बाइक टर्न ऑन हो जाएगी। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट स्विच दे रखा है, हज़ार्ड लाइट स्विच और यहाँ पे हाई बीम लो बीम के लिए दे रखा है। यहाँ पे भी रियर व्यू मिरर दे रखा है बार एंड। तो इधर बड़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है 1100 डुकाटी। यहाँ पे जैसे नंबर वगैरह लिखा है उसको हटाते हैं, इसको नहीं दिखाना। तो बाइक पे बैठते हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ मैं बाइक का। सबसे पहले बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको ऑन करते हैं तो फुल स्वाइप मारता है। यहाँ पर आपको दे रखा है स्पीड की स्पीड इंडिकेटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, RPM मीटर, यहाँ पे टोटल किलोमीटर कितनी चली है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल कौन सा है लेवल का है, लेवल 3 पर अभी। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे सारे टेलटेल लाइट्स ऑल अराउंड दे रखी है। और मैं एक बार बताऊँ तो ये ओलिन्स के जो फोक्स है फुली एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक क्लच मिलता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी मिलती है और जो फुली एडजस्टेबल है इसको पीछे आप इसको डायल को घुमा के ब्रेक्स एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो इसकी जो फ्यूल फिलिंग कैप है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको निकालते हैं तो फ्यूल फिलिंग कैप ये रही इसकी, अच्छी बात है हिंच पर है, कभी कभी होता है हिंच पे नहीं होती, जैसे हार लिया थोड़ी बहुत। तो वापस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आते हैं, बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे आपको फ्यूल का मीटर दे रखा है एक, यहाँ पे सिटी मोड में है बाइक अभी। तो इसका चलते हैं मेन्यू में ऊपर जाते हैं, ये हम आ गए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स trip 1 trip 2, रेंज 41 किलोमीटर्स की जितना इसमें पेट्रोल है। आउटसाइड टेम्परेचर इसमें दे रखा है वो है 30 डिग्री सेल्सियस अभी का। सेटिंग्स में जाते हैं हम, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल, इनसे मैं मज़े नहीं लूँगा। यहाँ पे आपको कुछ न्यूट्रल वगैरह को कुछ है, ये यहाँ पे शायद टाइम वाइम का कुछ होगा,
उसका कुछ नहीं लेना पंगा मैंने। तो इसके आगे चलते हैं। तो सेटिंग से बाहर आ चुके हैं हम और इसके ऊपर चलते हैं। सेटिंग्स के अलावा इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की लेवल दे रखा है। ट्रैक्शन कंट्रोल में इसमें चेंज करना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको इससे फ्लैशर ये रहा इसमें दे रखा है, फ्लैशर ये रहा, फ्लैशर के लिए जगह दे रखी है। आप देख सकते हैं आगे लाइट पड़ रही होगी। तो आपको बाइक की अभी हेडलाइट्स ऑन है, आपको हेडलाइट्स ऑन में बाइक के आगे से लुक दिखाता हूँ एक बार। तो हेडलाइट्स ऑन में बाइक ऐसी दिखती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है इसकी। ये मेरे को थोड़ी सी Husqvarna की याद आती है चीज़ देखकर। इसमें से अभी से ये नीचे की चार लाइट्स जल रही है। यहाँ पे एक छोटा सा Ducati का लोगो दे रखा है, अगर आपको आई होप दिख रहा हो। लाइट्स बंद करनी पड़ेगी उसके लिए मेरे को। यहाँ पे छोटा सा Ducati का लोगो दे रखा है और ये अच्छा फीचर है, सेफ्टी फीचर है। आपकी बैटरी कम भी होती है या फिर कोई भी दिक्कत आती है, बीच में रुकते हैं तो बैटरी ज़्यादा ना लगे, आप इसके टर्न सिग्नल्स हैजार्ड लाइट स्विच ऑन करके साइड में खड़ी कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हैजार्ड लाइट स्विच यहाँ से बंद होंगे। तो यहाँ पे सारे डेल्टे लाइट्स दे रखी है, ऑयल प्रेशर की दे रखी है, ABS, फ्यूल न्यूट्रल एंड हाई बीम लो बीम की। फुली एडजस्टेबल है जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो पीछे पे आते हैं बाइक के, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, फुल एल्यूमिनियम। यहाँ पे कैटली कन्वर्टर BF6 की वजह से बहुत बड़ा दे रखा है। यहाँ पे आते हैं 280mm की डिस्क मिलती है, जो भी वो भी ब्रेम्बो है। आगे Ducati यहाँ पे एक इंजन केसिंग Ducati की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे Ducati के सेफ्टी पैकेज में जो जो आता है यहाँ पे आप इंक्लूडेड मिलता है टॉप मॉडल में इसके। यहाँ पे रेडिएटर यहाँ पे अंदर दे रखा है, यहाँ पे एक हीट सिंक है, यहाँ पे मड गार्ड है फ्रंट का। तो अगर आपको ये बाइक ख़रीदनी है तो आपको अपने जेब में से ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज़ ऑन रोड निकालने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से एक हाई प्राइस है, मगर फिर आपको उसी हिसाब से क्वालिटी मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है, सर्विस मिलती है, और मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट बाइक है। अगर आपको लगता है कि 11-12 लाख रुपीज़ एक स्क्रैम्बलर के लिए ज़्यादा है तो आप इस स्क्रैम्बलर पर सकते हैं, बेबी स्क्रैम्बलर जो है Ducati की, स्क्रैम्बलर आइकॉन 800 को। यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो एक नई Ducati की क्या कहते हैं, यहाँ पे बाइक आई है नई V4X। तो वापस वीडियो पर आता है, साइड ट्रैक हो गए थे थोड़ा सा। तो ओवरऑल ग्रेट मोटरसाइकिल, अब बाइक में कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ पे फुटपैक्स आप देख सकते हैं, ऑफ रोडिंग फुटपैक्स है, आप ऑफ रोड करने जाए तो ग्रिप अच्छी मिलेगी इनमें। बाकी ओवरऑल ऑसम मोटरसाइकिल, मेरे हिसाब से वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल Ducati। काफ़ी अच्छा काम कर रही है आजकल, बीच में थोड़ी रिलायबल कम हो गई थी, मगर अब हो सकता है मेरी प्रॉबेबली 80% मेरी नेक्स्ट बाइक Ducati ही होगी। तो चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस थॉट रेपर, साइनिंग आउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।